रामायण आप सबने देखी सुनी या पढ़ी जरूर होगी। उसमें बताया जाता है किस तरह से भगवान राम ने वानर सेना समेत लंका तक पहुंचने के लिए एक पुल का निर्माण किया था समुद्र के ऊपर, जिसे राम सेतु कहा गया था। अब माना जाता है कि जो लंका थी वो प्रेजेंट डे श्रीलंका है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच का ये सैटेलाइट व्यू देखिए। इसमें ये जो आप आधा अधूरा कनेक्शन देख रहे हैं, जो आधा समुद्र में डूबा हुआ है आधा निकला हुआ है, इसी को राम सेतु माना जाता है। मगर सरकार ये बात एक्सेप्ट नहीं करती है, ना इसका कोई एविडेंस आज तक मिल पाया कि ये सच में राम सेतु है। इनफैक्ट कई बार प्लानिंग की गई थी कि इस ब्रिज को तोड़कर इसमें से रास्ता बनाए ताकि शिप्स यहां से निकल सके। एक तरफ कई जियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि ये ब्रिज नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, और दूसरी तरफ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे राम सेतु हिस्ट्री तो आपको मिलेगा एडम्स ब्रिज के नाम से ये। तो कैसे राम सेतु का नाम एडम्स ब्रिज पड़ गया, क्या हिस्ट्री रही है राम सेतु की, और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, कैसे इसको तोड़ने की प्लानिंग की थी, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको लग रहा होगा ये वीडियो रिलीजियस होने वाला है, मगर बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं होगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देख पाए। रामायण की या भगवान राम की जब बात होती है तो सभी को ये लगता है कि हिंदू माइथोलॉजी की बात हो रही है एक जनरल टर्म में, क्योंकि होता यही आया है। माइथोलॉजी हिस्ट्री से डिफरेंशिएटेड तब होती है जब उसमें हमें प्रूफ मिले। अगर माइथोलॉजी को प्रूव कर दिया जाए तो वो हिस्ट्री बन जाती है। जिस तरह से बाबर, अकबर या फिर पृथ्वीराज चौहान हमारे देश की हिस्ट्री है, उसी तरह से भगवान राम भी हमारे देश की हिस्ट्री है, बुक्स में लिखा हुआ है। मगर कोई हार्ड एविडेंस नहीं होने के कारण पूरा वर्ल्ड इसको माइथोलॉजी ही समझता है। इसीलिए राम सेतु की इंपॉर्टेंस पिक्चर में आती है। अगर राम सेतु को प्रूव कर दिया जाए कि ये एक मैन मेड ब्रिज है तो माइथोलॉजी और हिस्ट्री के बीच का एक कनेक्शन मिल जाएगा, और इससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि भगवान राम पूरे इंडिया की हिस्ट्री का पार्ट थे, और वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर हमारे देश में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, वो उसकी हिस्ट्री इक्वली बन जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। अब राम सेतु के बारे में आगे बात करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि राम सेतु के बारे में रामायण क्या कहती है। वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि राम सेतु का निर्माण नल और नील ने किया था, जो कि आर्किटेक्ट विश्वकर्मा के पुत्र थे। उन्होंने प्रॉपरली अपने इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज करके पत्थर पानी में डालकर एक ब्रिज बनाया था। अब क्योंकि रामचरितमानस में इस तरह की डिटेल का पूरा जिक्र नहीं है, इस कारण लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान राम के नाम पत्थर पर लिख जाने के बाद में पत्थर पानी में डूबने लग गए थे। ये पूरा सच नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में प्रॉपर इंजीनियरिंग का यूज करके ये ब्रिज बनाया गया था, जैसा कि वाल्मीकि रामायण बताती है। अब वहीं इस्लाम में ये माइथोलॉजी है कि आदम ने ये ब्रिज इंडिया से श्रीलंका तक जाने के लिए बनाया था, और श्रीलंका जाकर वो एक पैर पर खड़े हो गए थे काफी टाइम तक, जिस जगह को एडम्स फुट भी कहा जाता है श्रीलंका में। और वहीं हिंदू माइथोलॉजी में उस जगह को श्रीपद कहा जाता है, जो भगवान शिव की या हनुमान जी के फुट को रिजेंबल करती है। इस इस्लामिक लेजेंड के कारण इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, जो लगभग 10th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था। तो हिंदुइज्म हो या इस्लाम, इस ब्रिज की माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो दोनों रिलीजन्स में है। अब चलते हैं राम सेतु की ज्योग्राफी की तरफ। मेनलैंड इंडिया से थोड़ी सी दूरी पर पामबन आइलैंड है, जो इंडिया से ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। इस पामबन आइलैंड का लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी। धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक ये राम सेतु थोड़े थोड़े टुकड़ों में अभी भी विजिबल है। राम सेतु के एक साइड में तो बे ऑफ बंगाल है और एक साइड में इंडियन ओशियन है, और राम सेतु की ये जो लकीर है ये दोनों ओशियंस का मीटिंग पॉइंट है। और इस जगह पर समुद्र 1 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सैंड डिपॉजिट है जो दोनों समुद्र के टकराने के कारण आपस में आकर इकट्ठी हो गई। ये राम सेतु की लाइन लगभग 48 किलोमीटर लंबी है, और सबसे मजे की बात, जियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बताते हैं कि राम सेतु के जो पत्थर हैं वो लगभग 7000 साल पुराने हैं, जबकि नीचे की जो रेत है वो लगभग 3000 साल पुरानी है। इसका मतलब ये है कि कहीं से पत्थर लाकर इस रेत पर रखे गए थे, इन पत्थरों से ये रेत नहीं बनी है, जो ये सजेस्ट करता है कि ये मैन मेड ब्रिज है ना कि नेचुरल ब्रिज, और ये वन ऑफ द एविडेंसेस हो सकता है इसको प्रूव करने के लिए। साउथ इंडिया के रामनाथ स्वामी टेम्पल में कई 100 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं। 1480 के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि उस साल काफी बड़ा साइक्लोन आया था, जिस कारण राम सेतु काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, और उससे पहले राम सेतु के ऊपर से पैदल चल पाना बहुत ईजी था, और पैदल चलकर लोग इंडिया से श्रीलंका क्रॉस कर लिया करते थे। इनफैक्ट पामबन आइलैंड का साउदर्न मोस्ट टिप धनुषकोडी टाउन भी काफी पॉपुलेटेड था, मगर 1964 में एक और साइक्लोन आ गया था, इस कारण धनुषकोडी टाउन को अनसुटेबल फॉर लिविंग घोषित कर दिया गया था, और धनुषकोडी टाउन को पूरी तरह से अबैंडन कर दिया गया था। अब बात करते हैं राम सेतु की लीगल बैटल की। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से अगर आपको ईस्टर्न कोस्ट पर जाना है तो शिप्स को पूरा श्रीलंका क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिससे उनको 400 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है, और अगर वो राम सेतु के बीच में से होकर निकले तो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये इंडिपेंडेंस के पहले से स्टडी की जा रही है। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले 9 कमिटीज और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 5 कमिटीज बनाई जा चुकी हैं
राम सेतु के बीच में से रास्ता निकालने की स्टडी करने के लिए, मगर कोई भी कमेटी एक फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाई। कई सारी कमेटीज ने ये रिकमेंड किया है कि इस ब्रिज में से कैनाल बनाना फिजिबल नहीं है, इससे एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इकोनॉमिकली भी काफी कॉस्टली है। मगर कैनाल बनाने की जरूरत है क्यों? दरअसल बात यह है कि राम सेतु जिस लाइन पर है उस लाइन पर समुद्र 1 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं है, तो शिप्स इसको क्रॉस नहीं कर सकती। इसीलिए इस ब्रिज के बीच में से एक रास्ता, एक कैनाल बनाना जरूरी है ताकि शिप्स निकल पाएं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मगर इस ब्रिज को लॉन्च करने का मतलब था कि राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना, और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरिम स्टे लगा दिया, कहा कि ये हिंदू सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाता है, और बात आई गई हो गई और आज तक वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद 2008 में गवर्नमेंट ने फिर एक कमेटी बनाई थी इस ब्रिज की फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए, और इस कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन दिया था कि एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होगा इस ब्रिज के कारण और कोई अल्टरनेट रूट तलाश करना चाहिए। इनफैक्ट लैंड बेस्ड रूट काफी अच्छा रहेगा जिसमें शिप्स पामन आइलैंड तक आए, पामन आइलैंड पे वो दूसरी तरफ दूसरे शिप्स में लोड किया जाए गुड्स को, और वो दूसरा शिप ईस्टर्न कोस्ट की तरफ चला जाए। अब बात करते हैं राम सेतु के स्टडीज को लेके क्या हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले ये कह दिया था कि ये ब्रिज एंशिएंट नहीं है, मगर उन्होंने अपना स्टेटमेंट विदड्रॉ कर लिया था। कई सारे फॉरेन जियोलॉजिस्ट ने यहाँ के रॉक्स की स्टडी की है और ये बताया गया कि ये रॉक 7000 साल पुराने, मगर इसके नीचे की जो मिट्टी की स्टडी की है, जो समुद्र का फ्लोर है, वो बताया जाता है 3000 साल पुराना। इसका मतलब ये है कि ये रॉक्स और मिट्टी एक फॉर्मेशन के नहीं है, इन रॉक्स से ये मिट्टी नहीं बनी है, इन रॉक्स को कहीं दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर रखा गया, जो ये संकेत देता है कि ये ब्रिज मैनमेड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 2021 में गवर्नमेंट ने फिर एक बार कहा था कि आप इस ब्रिज की साइंटिफिक स्टडी की करो, मगर वो प्रोजेक्ट आज तक आगे नहीं बढ़ पाया और डायरेक्शंस का वेट कर रहा है। मगर इस स्टडी का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, रामायण को लेकर इस दुनिया में, इस देश में कई सारे एविडेंसेस हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। राम सेतु पे अक्षय कुमार ने भी एक मूवी बनाई थी, अगर आपको देखनी है तो लिंक कमेंट्स में मैं दे दूंगा, अमेजन प्राइम पे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें उन्होंने बताया है कि कोरिया का अयोध्या से क्या कनेक्शन है और भगवान राम से कैसे लिंकेज है। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए ताकि राम सेतु की ये हिस्ट्री काफी लोगों को पता चले और लोग प्राइड फील कर पाएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।